नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ बड़ी इंडिया में। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। सहारनपुर में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए प्रदेश सरकार के 3 मंत्री सहारनपुर पहुंचे। दरअसल सहारनपुर मंडल में होने वाले विकास कार्यों की समीक्षा के लिए योगी सरकार द्वारा कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह और राज्य मंत्री राकेश ठाकुर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सहारनपुर के सर्किट हाउस पहुंचे तीनों मंत्रियों ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, साथ ही जनसंवाद कर जनता की समस्याएं सुनी और हर समस्या का जल्द निस्तारण करने का आदेश दिया। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती किसी देश और प्रदेश के लोगों के लिए कि कोई राजनीतिक दल यह कहकर वोट मांगे कि हम तुम्हें नकल कराने का अधिकार देंगे। और ऐसा हुआ इस प्रदेश में, और उसका हश्रियत भी देखने को मिला कि जिस लड़की ने टॉप किया, वो लड़की से जब पूछा पत्रकारों ने कि आपके सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट नहीं बता पाई। ये उसका एक जीता जागता आईना है। अब कम से कम 5-7 साल के जो सरकार, चाहे केंद्र मोदी जी की हो या हमारे यहाँ पर योगी जी की हो, वो कन्नौज के तिरवा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अरुण असीम पहुंचे। जहां मंत्री ने इमरजेंसी से लेकर के वार्डों का निरीक्षण किया, वहीं मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। बांदा में ड्रग इंस्पेक्टर ने कई मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें दवा की वैधता और रखरखाव पर विशेष निगरानी की। दरअसल बांदा में मेडिकल स्टोरों में नकली दवा बेचने की शिकायत काफी दिनों से मिल रही थी, जिसके चलते सघन चेकिंग का अभियान चलाया गया, जहां टीम के 4 सदस्यीय दल ने कई मेडिकल स्टोर में निरीक्षण किया। ये जो हम दुकान पे जांच कर रहे हैं, ये 4th दुकान है, ठीक है। अभी तक हमने 3 दुकानों में जांच करी हुई है और उसमें दवाइयों का परचेज सेल मांगा गया है। उनका रख रखाव देखा गया कि दवाइयाँ जो फ्रिज में रखने वाली हैं, फ्रिज में है कि नहीं है, रूम टेम्परेचर पे तो नहीं रखी हुई है, ये देख रहे हैं। और इसमें लता मेडिकल स्टोर की जांच हो रही है, जिसमें उनसे ऑक्सीटोसिन जो ह्यूमन पे यूज होता है उसका परचेज सेल वगैरह मांगा जा रहा है। और माउथ वॉश का सैंपल जो है जाँच के लिए लेकर के इसको राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के आदेश पर भड़ल गांव में चर्म शोधन इकाइयों को ध्वस्त करने पहुंची पुलिस। प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम पर इकाई संचालकों के स्वजन ने जमकर पथराव किया। बुलडोजर में तोड़फोड़ की गई, वहीं अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को मौके से भागकर जान बचानी पड़ी। बाद में पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी कर ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू कराया। पुलिस कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल मौके पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद जनपद टिहरी गढ़वाल के मुनि की रेती थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस कप्तान ने तमाम व्यवसाय से जुड़े संचालकों के साथ बैठक की। इस दौरान संचालकों से समस्याओं को सुना गया और उनके सुझाव भी लिए गए। जो समस्याएं सामने आईं, उनका निराकरण करने की बात पुलिस कप्तान ने कही है। ये प्रदेश में चारधाम यात्रा हमारी शुरू हो गई है, तो उस संबंध में ही मुनि की रेती क्षेत्र में जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे होटल एसोसिएशन है, व्यापार मंडल है, राफ्टिंग वाले जो व्यवसायी हैं और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, इनके साथ ये जो मीटिंग करी गई, इसमें इनकी क्या समस्याएं ये फेस कर रहे हैं और इनकी तरफ से क्या सुझाव हैं, और जो सुझाव ऐसे व्यवहारिक हैं जिनको कि इन्फोर्स करके व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है, उस पर चर्चा की गई। और कुछ बिंदु जो सामने आए हैं, उन पर निश्चित तौर पर अगले 2 दिवस के अंदर ही पुलिस कार्रवाई करेगी। खबर औरैया से है, जहां शहर में मुख्य सड़कों पर व्याप्त अतिक्रमण की समस्या के चलते जाम की गंभीर समस्या बनी हुई है। इसको लेकर के जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन की ओर से संयुक्त रूप से अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जहां पूर्व अधिकारियों ने सदर तहसील में व्यापारी के साथ बैठक कर रणनीति तय की। सदर तहसील में SDM मनोज सिंह ने तहसील अधिशासी अधिकारी और पालिका की मौजूदगी में व्याप्त मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक की। नगर क्षेत्र में भ्रमण के समय मेरे द्वारा ये भी देखा गया कि जो भी नाली है, नाले बने हैं, उसके बाहर दुकानदारों ने या व्यापारियों ने काफ़ी बढ़ाकर सड़क तक, जिससे हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है। और
ग्राहकों को भी असुविधा होती है, आमजन को भी असुविधा होती है। तो आज ये बैठक किस उद्देश्य से बुलाई गई थी व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों की, कि हम लोगों ने एक मानक तय किया है कि नाली नाला जो भी उसके अंदर ही दुकानदार अपनी दुकानें लगाएंगे, बाहर नहीं लगाएंगे। इसी क्रम में विचार विमर्श किया गया है। इसका कार्यक्रम हम लोग सोमवार से शुरू करेंगे हटाने का। इसके पहले लोगों को सूचित भी किया जाएगा दुकानदारों को अपनी स्वेच्छा से, तो सोमवार रविवार को यहाँ पे दुकानें बंद रहती हैं, बाजार बंद रहता है, तो उस दिन अपनी लोग व्यवस्था कर लें कि सोमवार से फिर वो दुकानें नहीं लगेंगी। अगर लगेंगी तो हम लोग उसके सख्ती से उसको हटाने की कार्रवाई करेंगे। कन्नौज में अमृत सरोवर योजना से गांव के तालाब का सुंदरीकरण किया जाएगा। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने श्रमदान कर उद्घाटन किया। वहीं मंत्री ने कहा कि गांव के पर्यटन स्थल में अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। हर ब्लॉक में एक विशेष अमृत सरोवर का निर्माण होगा। जहां नसिया में मंत्री ने फावड़ा चलाकर अमृत सरोवर योजना का शुरुआत की। सहारनपुर में आम आदमी पार्टी के नेता योगेश दहिया यूपी में कानून व्यवस्था को सही रखने के लिए एसडीएम से मिले और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन बस से बदतर होती जा रही है। लगातार लूट, डकैती, मर्डर और दुष्कर्म आम बात हो गई है। नमस्कार, मैं योगेश दहिया आम आदमी पार्टी सहारनपुर से। प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है और सबसे बड़ी मुसीबत ये हो गई कि अब थाना भी सुरक्षित नहीं रहा है, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए, जिसमें ललितपुर में एक अभी घटना हुई है जिसमें स्वयं थाना अध्यक्ष महोदय दुष्कर्म के मामले में लिप्त थे और वो फरार हो गए थे, जिनको बाद में गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद वहाँ एक मोहरीर साहब ने चोरी के शक में एक महिला को निर्वस्त्र कर पीटा है और उसके बाद कोड़ में खाज ये हुआ कि चंदोली में जो है स्वयं पुलिस वाले घर में गए और महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ रेप किया और उसके बाद उनकी मृत्यु की। उधम सिंह नगर में एसएसपी ने 5 मई को गदरपुर के मोतियापुर में हुई घटना का खुलासा करते हुए बताया कि जिस व्यक्ति को गोली लगी है उसने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर साजिश रची थी और खुद को गोली मरवाई थी। पुलिस ने एक तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किया है। वहीं इस घटना में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जैसा कि आप सबको पता है, गदरपुर में देर रात को 5:30 की देर रात को गोली चलने की सूचना गई, जिसमें गोली लग के यूसुफ नाम के एक व्यक्ति को गोली लग गया, ऐसा सूचना मिली। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस द्वारा रेस्पॉन्स किया गया है। अली अहमद करके एक आदमी आया हमारे सामने, जो यूसुफ का चचा, मतलब मुँह बोला भाई, मामा बोलता है, और उसने वादी बन के मुकदमा लिखवाया। मुकदमे में इन्होंने नामजद करा दिया कि डॉक्टर जाकिर है केला कैडा का और दूसरा कौन है, शाहिद, ये दोनों नामजद कराया कि इन्होंने हमको गोली मार दिया, हमारे मसेरा मतलब यूसुफ को करके। यूसुफ फिलहाल रेफर हुआ है और आज की डेट में पहले इधर रुद्रपुर में, वहाँ से बरेली, बरेली से लखनऊ रेफर हुआ है। हालांकि बहुत दूर से गोली मारा गया है और केवल कुछ ही छर्रे गए हुए। बाजपुर में एसडीएम राकेश चंद तिवारी ने खनन और राजस्व विभाग की टीम के साथ LSC स्टोन क्रेशर में छापेमारी की, जहां राजस्व और खनन विभाग की टीम ने स्टोन क्रेशर में रखी खनन सामग्री की जांच की। स्टोन क्रेशर में छापेमारी की सूचना से खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान SDM राकेश तिवारी ने बताया कि अवैध खनन की सूचना पर उच्चाधिकारियों के निर्देश पर छापेमारी की गई है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों जिस तरह से कार्रवाई की गई थी उसी तरह आगे भी कार्रवाई की जाएगी। जिसे लगातार चल रहा है और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश भी हैं कि जहां स्टॉक ज़्यादा हैं उसको देख लिया जाए, और यह जो बिना परमिशन के कहीं भंडारण हुआ है तो उसी के क्रम में हम लोग आए हैं यहां, और अभी स्टॉक की नापजोक हो गई है संयुक्त रूप से खनन विभाग और राजस्व विभाग के द्वारा, तो अभी उसकी पैमाइश की जा रही है। पैमाइश के बाद देखते हैं, जो भी परमिशन से ज़्यादा होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई के पश्चात DM साहब को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। बुलंदशहर की खुर्जा नगर पुलिस ने आशुतोष शर्मा हत्याकांड का खुलासा किया है। वहीं हत्या में शामिल 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जहां अपराधियों के पास से मृतक आशुतोष का पर्स और मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किया है। दरअसल 17 अप्रैल 2022 की रात को खुर्जा स्थित KDM ऑफिस के सामने अपराधियों ने आशुतोष को गोली मारकर घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उधम सिंह नगर के सितारगंज में रसोई गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी से घरेलू महिलाएं परेशान हैं।
बता दें कि इससे पहले मार्च महीने में भी घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की गई थी। रसोई सिलेंडर पर लगातार बढ़ रही महंगाई के कारण महिलाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने सिलेंडर पर 50 रुपये दाम बढ़ा दिए हैं, जिससे महिलाओं में आक्रोश दिख रहा है। बढ़ाए गए हैं गैस सिलेंडर पर, ये बहुत ही जनता के संग जो है इसके संग विश्वासघात कर रहेगा काम, इसके संग एक जो है उनके जख्मों पे मिर्च छिड़कने का काम इस केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है लगातार। ये आज पहली बार नहीं हुआ, इससे पूर्व में भी कई बार रेट बढ़ते जा रहे हैं। गैस का ही नहीं, पेट्रोल डीजल का मामला हो चाहे और अन्य चीज़ों का मामला हो, तो आज इतनी महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ के रख दी है कि जनता त्राही त्राही माम हो रही है। लेकिन इस सरकार पे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ उनके बारे में सोचती है जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं। आम जनता, गरीब जनता, उनकी से पीड़ा का कहीं भी कोई दर्द नहीं है, उनसे कोई सरोकार नहीं है। और ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि अभी चुनाव जो है फिलहाल अभी हाल ही में उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में लगातार गुमशुदगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिनकी गुमशुदगी पीड़ित परिजनों द्वारा कोतवाली में भी दर्ज कराई गई है, जिसमें पुलिस लगातार गुमशुदा लोगों की तलाश में जुटी है और कई गुमशुदा लोगों की तलाश की जा चुकी है। दरअसल जसपुर कोतवाली में बोर्ड पर लगे गुमशुदा के नोटिस इस बात का प्रमाण है, आए दिन यहाँ कोई ना कोई गुमशुदगी दर्ज कराने आता ही है। बता दें कि अगर बीते एक साल में की बात करें तो पिछले एक साल में जसपुर कोतवाली में कुल 28 लोगों की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। इसमें अब तक 22 महिलाओं में से 19 महिला और 6 पुरुषों में से 5 पुरुषों को बरामद कर लिया गया है। साल जनवरी 2021 से अब तक कोतवाली में कुल 28 गुमशुदगी दर्ज हुई है, जिनमें से 22 महिलाओं की गुमशुदगी थी, 6 पुरुषों की गुमशुदगी थी। 22 महिलाओं में से हमारे प्रयास से और उनके परिवारों के प्रयास से 19 महिलाओं की बरामदगी हो चुकी है और 5 पुरुषों की बरामदगी हो चुकी है। अभी 3 महिला और 1 पुरुष अभी भी गुमशुदा है, जिनकी लगातार तलाश के प्रयास जारी है और जल्दी हमें उम्मीद है कि हम जल्दी ही ढूंढेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।